जुबिलेंट इन ग्रेविया का चार्ट और देखिए क्या जबरदस्त यहां पर आपको नतीजे आते हुए दिखे हैं। पहली तिमाही में आपने 168 करोड़ का मुनाफा कमाते हुए देखा है इस कंपनी को, मुकाबले 54 करोड़ के। तो समझिए कि 200% आपको इजाफा इंग्रेविया के नंबर्स में आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप वॉल्यूम देखें तो यहां पर अब 38,84,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। चंदन जी, ये आपको पकड़ना है मेरे ख्याल से। हमारे साथ राहुल शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, आपका फेवरेट काउंटर रहा है जुबिलेंट इंग्रेविया, नतीजे बहुत शानदार, बताइए क्या कीजिएगा 584 पर? बिल्कुल सेल जी, देखिए जुबिलेंट इंग्रेविया हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहा है और काफी दिनों से हम वेट कर रहे हैं, कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा है, बट मेरे हिसाब से अब लग रहा है बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है और अब रैली बननी चाहिए। वीकली सेटअप पे देखे तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और अब यहाँ पे मूव बनना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 562 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और अब तेजी आती है तो 610 और 625 तक की अपसाइड जुबिलेंट इंग्रेविया में देखे तो काफी अच्छा स्टॉक है और ये जैसे ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। चलिए आपके सामने 587 पर तीन ट्रांजैक्शंस होते हुए, वीरेन जी आप इसे एनालाइज करना चाहेंगे? नतीजे बहुत ही बढ़िया हैं, 168 करोड़ मुकाबले 54 करोड़ प्रॉफिट। जी शैल जी, एक बार डायरेक्टर साहब इसकी ना आप कैंडलस्टिक चार्ट रखिए और थोड़ा देखिए, हिस्ट्री काफी कम है तो जितने अगर आप देखें चार्ट हमारे पास हैं उससे ही काम चलाएंगे। 579 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में 580 पर, इसका एक पिवट पॉइंट है अगर आप देखें करीब करीब, वो है 5782 के आसपास, 582.85 के आसपास, जो कि कल की कैंडल का हाई भी है और प्रीवियस मंथ की कैंडल का हाई भी है। पालवे साहब अगर मैं सही हूँ और नंबर्स स्ट्रांग है, सपोर्टिव हैं, 582 के ऊपर अगर ये ट्रेवल करता है तो आपका टेक क्या होगा? वॉल्यूम्स अगर आप देखें पिछले काफ़ी समय से काफ़ी स्ट्रांग है इसके, स्पेशली अगर आप देखें पिछले 10 दिन के वॉल्यूम्स, इसमें काफ़ी अच्छी खासी तेजी है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी स्पेशली और टेक अबाउट 582, कैसा बिहेवियर रहेगा इस स्टॉक का? देखिए स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पहले बना था और पिछले 10 दिनों से देखें तो एक काफ़ी नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और बिल्कुल आपने सही बताया 580 और 582 ये रेंज जैसे ही क्रॉस होगी स्टॉक वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा, ये कंसोलिडेशन रेंज से बाहर आता हुआ दिखेगा और फिर मुझे लगता है कि इसके जो टारगेट बनना चाहिए 620 से 640 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है करंट लेवल पर भी बाय किया जा सकता है, जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें, 560-65 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और इसका सेटअप जो दिखा रहा है वह दिखाता है कि 620-640 तक के टारगेट इसमें एक से दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखेंगे। आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आज की क्लोजिंग अगर 580-82 के ऊपर होती है तो बिल्कुल ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बीटीएससी ट्रेड भी इसको कैरी किया जा सकता है। फिर रणनीति जुबिलेंट इंग्रेविया पर आपके सामने, बहुत ही शानदार नतीजे, दो गुना बढ़त प्रॉफिट में और 100% बढ़त आप आते हुए देख रहे हैं टॉप लाइन पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उसके बाद सुमित जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उन नतीजों पर चर्चा होगी जो आपको आते हुए दिखेंगे कल या परसों, जब आपको बाजार छुट्टी पर विश्राम करता हुआ दिखेगा, लेकिन काउंटर्स अभी से टिक कर रहे हैं। आते हैं एक मिनट के बाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा 15656, ये इस वक्त अगर आप देखें निफ्टी का स्तर है, निफ्टी बैंक करीब 34453 पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और यकीन मानिए 2 बजे जैसे ही नंबर आए एशियन पेंट्स के पूरा स्पेस अगर आप देखें वाइब्रेंट इस वक्त, जुबिलेंट इंग्रेविया इसके नंबर्स आए और जुबिलेंट इंग्रेविया अब इस वक्त डे हाई पर है, बजर पेंट्स डे हाई पर, एशियन पेंट्स डे हाई पर और साथ ही साथ कंसाइड नेरोलैक डे हाई पर, पिडिलाइट डे हाई पर और एक स्टॉक मेरी स्क्रीन पर और जो डे हाई पे खड़ा है वो है आईसीआईसीआई जीआई जनरल इंश्योरेंस, आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे खड़ा। लेकिन अब कुछ देर के लिए विषय बदलते हैं, हमारे साथ दो लोग जुड़ रहे हैं श्रीकांत चौहान, उनसे करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले चलते हैं सुमित के पास। सुमित, पैमाइश करेंगे दो नंबर्स की, अल्ट्राटेक के नंबर्स और साथ ही साथ एचयूएल के नंबर्स कैसे रहेंगे, आइए